नमस्कार, एटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी पुरुषोत्तम गर्ग ने सांसद सतीश गौतम व राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान पर लगाया 40 लाख रुपए लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप। लड़का बना रहा था चोरी छिपे गांव की लड़कियों की वीडियो, विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट, मुकदमा दर्ज। एडीए ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को किया ध्वस्त। स्वास्थ्य केंद्र पर प्राइवेट दवा वितरित करने के मामले में डीएम ने की एएनएम की संविदा समाप्त। आशा कर्मियों ने सांसद सतीश गौतम पर लगाया अपमानित करने का आरोप। सुंदरीकरण में बाथक अचलताल की 4 दुकानें ध्वस्त, हुआ हंगामा, हुई नोकझोंक। खैर नगर पालिका पार्षद के भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी पुरुषोत्तम गर्ग ने सांसद सतीश गौतम और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि टिकट दिलाने के नाम पर सांसद सतीश गौतम और अनूप प्रधान ने उनसे 40 लाख रुपए लिए हैं। रुपये लेने के बाद उनको टिकट तो दे दिया गया, लेकिन चुनाव के दौरान उनको कोई मदद या कोई सपोर्ट नहीं किया गया, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। जी, मैं पुरुषोत्तम गर्ग निकाय चुनाव का 23 में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया मुझे, लेकिन टिकट के नाम पर माननीय सांसद सतीश गौतम जी एवं राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान के दो आदमियों के द्वारा मुझसे टिकट के नाम पर 40 लाख रुपए लिए गए। उसके बावजूद चुनाव में मेरा विरोध किया गया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पूरा सपोर्ट किया गया, प्रशासन भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के सपोर्ट में रहा, जिसका दबाव माननीय सांसद महोदय और मंत्री जी का प्रशासन पे पूरा था आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करने के लिए। अच्छा, जो आपसे 40 लाख रुपए लिए गए थे जी, वो किसके द्वारा लिए गए थे? एक तो कालीचरण शर्मा उर्फ करुआ जी, और दूसरे हैं सुशील गर्ग भट्टे वाले। तो क्या क्या कर ले गए थे वो, किसने मंगाए? ये सांसद और मंत्री जी के नाम से ले गए थे। अच्छा, आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसके बाद सांसद जी ने आपसे संपर्क साधना चाहा? सांसद जी ने मेरे लड़के को, मैंने कहा था मैंने कि मेरे लड़के से पैसे गए हैं, तो उन्होंने जो नगर अध्यक्ष हैं संजय राजा राजेश शर्मा, उनको मेरे घर भेजा और कहा कि आप अपने लड़के को इनके साथ मेरे पास भेज दो। जिस बात को भी लगभग 15 दिन हो गए, वहाँ सुशील गर्ग ने 15 लाख रुपए एक्सेप्ट भी किए थे सांसद के सामने, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपकी एक एक पाई मैं लौटवाऊंगा। मुझे आज तक, मैंने कई बार फोन लड़के ने राजा के द्वारा करवाए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ना एक पैसा आज तक प्राप्त हुआ। सांसद जी ने मेरे लड़के को, मैंने कहा था मैंने कि मेरे लड़के से पैसे गए हैं, तो उन्होंने जो नगर अध्यक्ष हैं संजय राजा राजेश शर्मा, उनको मेरे घर भेजा और कहा कि आप अपने लड़के को इनके साथ मेरे पास भेज दो। जिस बात को भी लगभग 15 दिन हो गए, वहां सुशील गर्ग ने 15 लाख रुपए एक्सेप्ट भी किए थे सांसद के सामने, लेकिन उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपकी एक एक पाई मैं लौटवाऊंगा। मुझे आज तक, मैंने कई बार फोन लड़के ने राजा के द्वारा करवाए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ना एक पैसा आज तक प्राप्त हुआ। अच्छा, इस चीज का कुछ आपके पास सबूत है जो कि एक्सेप्ट किया उन्होंने या कुछ? हाँ, मेरे पास सबूत है, सुरक्षित है। क्या सबूत है? ऑडियो है मेरे पास, 40 लाख की भी है और 15 लाख जो है उन्होंने एक्सेप्ट की है उसकी भी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, बाकी क्या होना चाहिए? मैंने ये पैसा जो है अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से इकट्ठा किया था 40 लाख। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा मुझको लौटवाया जाए। चुनाव में तो जो कुछ हो गया, इन्होंने जो कुछ किया है वो किया ही है। स्थानीय वाल्मीकि समाज से केवल 24 वोट मुझे मिली। अलीगढ़ थाना
थाना मुकिमपुर क्षेत्र के गांव के एक युवक द्वारा लड़कियों की वीडियो व फोटो बनाकर फेसबुक व इंस्टाग्राम पर वायरल किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें, गांव वालों का आरोप है कि 4 महीने से गांव की लड़कियों की वीडियो बना व फोटो निकाल कर उनके साथ अश्लील गाने लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार युवक के घर पहुंचे तो शिकायत करने पर युवक के परिवार ने उन्हें डांट फटकार कर बाहर निकाल दिया और कुछ देर बाद ही पीड़ित परिवार के दबंग परिवार पहुंचा और मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़ित परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। इसको लेकर परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन परिवार का आरोप है कि 1 महीने के बीच जाने के बाद भी दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसी को लेकर परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है आपका? संजू कुमार। कहाँ रहते हो? खड़ा हुआ। थाना कौन सा पड़ता है? पाली मुकिमपुर। आज आप क्षेत्र अधिकारी छर्रा के पास आए हैं, किस शिकायत को लेकर, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारी लड़कियों का वीडियो तिलक सिंह का लड़का रोहित नाम का ये 3-4 महीने से पहले से बना रहा है। इसके घर हम पहले भी शिकायत करने जा चुके हैं, उसने ये कह दिया था हम समझा देंगे। हमने चलो कोई बात नहीं है, इस लड़के ने फिर 13 तारीख की वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब पर डाल दिया। और लड़कियों की जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह थी और लड़कों के पास, गांव वाले लड़कों के पास डाल रहा था ये। हमने इसके घर पर जाके शिकायत की, भाई तुम्हारा लड़का हमारी लड़कियों के अश्लील गाने वीडियो बना बना कर गलत गलत गाने क्यों डाल रहा है? तो उसके घर वाले ने ये कहा, तिलक सिंह ने, उसके पिता ने, कि ऐसा है कि तू कर पाए तो कर लिए, जा तू रोज शिकायत लेके आ जाता, हमारा लड़का अपनी लड़कियों को घर में रख, बाहर के भेजता है। हमने कि भाई आपकी लड़की और हमारी लड़की एक जैसी हैं, हम नहीं भेज सकते ऐसे, हैं आप भी भेजते हो और हम भी भेजते हैं, आप और हमारी लड़की एक जैसी हैं, कोई बात नहीं भैया, गोबर कूड़ा डालने दो। अरे कि अपने घर में रख, यदि वो नहीं माना फिर हम चले आए कि हम तू करता है तो कर लिए, हम अपने घर चले आए, हम रिपोर्ट करने जाएंगे। उसने ये सुन ली, उसके घर पर से हम अपने घर आ गए। उसने हमारे ताऊ वगैरह, ये ताऊ हैं हमारे और ये मम्मी ताई, ये अपने घर लौट आए सब लोग, तो इनके ये अपने घर चले गए हमारे ताऊ जी, इनके पीछे पीछे वो कुछ देर बाद वो लोग भी दबंगी से चले गए, फरसा, सरिया, भाला और लाठी लेकर के, जिसमें तिलक सिंह के हाथ में फरसा था, रोहित के हाथ में भाला, बॉबी के हाथ में सरिया और मुन्नी देवी के हाथ में डंडे। उन्होंने इनकी ताबड़तोड़ पिटाई की पप्पू जी की, हमारे ताऊ लगते हैं पप्पू शर्मा जी, और उनके चांद में भाला मार दिया माथे पर, जैसे वो बेहोश हो गए। और उनकी पत्नी मीना देवी आई, वो बचाने आई तो रोहित ने भाला उनके पेट में मारा, जिससे उन्होंने अपना हाथ लगा के रोक लिया भाला, नहीं तो उनकी जान चली जाती। वो बच गई, हाथ में होके भाला पार हो गया तुरंत। आज कहाँ पे आए हो? आज हम छर्रा आए सर। क्या क्या आश्वासन दिया किसके पास? सीओ साहब के पास गए थे और ये मिला के उनके साथ कार्रवाई होगी। और सर 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और शकुंतला देवी के सिर में फरसे की चोटें, चांद काट दी गई है फरसे से, और मीना देवी के भी चांद काट दी गई है फरसे से, और हाथ में भाला पार है, ग्रीस के भी चांद में सरिया मार दी गई है और पप्पू के भाला मार दिया गया। गोंडा रोड पर एडीए का अवैध कब्जों को हटवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिन अवैध रूप से विकसित की जाने वाली कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। यहां 10 गज अवैध रूप से विकसित कॉलोनी के विरुद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में थाना रोरा व पुलिस व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सड़कों, प्लॉटों की नींव व साइट ऑफिस की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल बस्त ने बताया कि अवैध निर्माण विकास कार्य के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। आज दिनांक 12/6/2023 ग्राम भीमपुर गोंडा रोड पर रामू और श्यामू आज ने लगभग 80 बीघा भूमि पर अवैध रूप से अनुविकसित की जा रही थी, जिसमें ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके थे, जिसको आज दिनांक से ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अलीगढ़ के इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते 9 जून को एसडीएम के छापेमार कार्रवाई के दौरान एएनएम की स्कूटी में प्राइवेट दवा मिलने व चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट दवा लिखे जाने और अस्पताल में प्राइवेट दवा वितरित किए जाने की शिकायत मिलने पर इगलास एसडीएम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक छापेमारी कार्रवाई की गई थी।
जिसके तहत ANM पूनम शर्मा की संविदा DM ने समाप्त कर दी है। SDM के निरीक्षण में इनके कैबिन बैग व स्कूटी से मेडिकल स्टोर की दवाएं मिली थी। साथ ही वहां तैनात डॉक्टर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं और मेडिकल स्टोर पूर्व में ही सील कर दिया गया था। बता दें, स्वास्थ्य केंद्र का नाम मई में भी सुर्खियों में आया था। 19 मई को हाबूड़ा मोहल्ला के बबलू अपनी गर्भवती पत्नी सुमन को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। आरोप था कि गर्भवती महिला को स्टाफ ने 1,000 रुपए के लेन देन के मामले में उसको भर्ती नहीं किया। इसकी खबर भी हमने अपने चैनल द्वारा प्रसारित की थी और प्रसव से पीड़ित महिला ने झाड़ियों में बेटे को जन्म दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसी क्रम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया था। वहीं आगे की कार्यवाही के लिए DM ने निर्देश दे दिए हैं। ANM की सेवा समाप्त की गई है, क्या है? देखिए, इगलास जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर SDM के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था, क्योंकि पूर्व में कुछ इसकी शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी, तो हमने उनको निर्देशित किया था कि आप इसकी औचक जांच करें। औचक जांच में पाया गया कि जो वहाँ की ANM थी, उसके गाड़ी की डिक्की में, जो स्कूटी थी उसकी डिक्की में निजी मेडिकल स्टोर की दवाएं प्राप्त हुई, और इस आशय की भी शिकायतें थी कि वहाँ पर डॉक्टर्स बाहरी दवाओं को लिखते हैं। तो एक काकस वहाँ पर SDM की रिपोर्ट के अनुसार उभर कर आया, जिसमें एक मेडिकल स्टोर था, ANM थी और एक डॉक्टर था। ANM संविदाकर्मी थी, इसलिए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। जो मेडिकल स्टोर था उसे सील किया गया और उसके खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है, और इसी प्रकार से जो वहाँ चिकित्सक थे उनकी भी संलिप्तता पाते हुए उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि चिकित्सक वहाँ बैठकर न केवल मरीजों का इलाज करेंगे, बल्कि उनको वो दवाएं देंगे जो वहाँ पर उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी सप्लाई में। और इसके विपरीत अगर कोई बाहर की दवाएं लिखता है, तो केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में जब कोई दवा वहाँ पर उपलब्ध ना हो तभी वो लिखी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनका दोष प्रथम दृष्टया पाते हुए ये कार्रवाई की गई। अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड के कोहिनूर मंच पर केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा 9 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसी जनसभा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी विधानसभाओं की आशाओं को बुलाया गया था और सभी आशाएं अधिकारी के आदेश अनुसार सभा में पहुंच गईं। वहां जाकर सभी आशाओं ने अपमानित होने का आरोप लगाया। आशाओं ने बताया कि एक पुलिसकर्मी व सांसद सतीश गौतम द्वारा अपशब्द कहते हुए उनको वहां से फटकार दिया गया। कहा कि गेट पर पहुंचने के बाद सांसद सतीश गौतम ने उन सभी आशाओं को फटकारते हुए वहां से जाने को कहा और कहा कि तुम लोग यहां हमारी जनसभा खराब करने के लिए आई हो क्या। इस तरह से अपमानित करने के बाद सभी आशाओं में आक्रोश देखने को मिला। सर, मैसेज डाला था हमारे VCPM ने, तो हम उस मैसेज के आधार पर यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया यहाँ पे कोई आशा नहीं बुलाई है, यहाँ ड्रेस में आप लोग क्यों आए हो। हम यहाँ पे आ गए, हम खड़े आपसे ही बात कर रहे थे, मैसेज दिखा रहे, और मैसेज भी हमने दिखाए सब लोगों को, और यहाँ पुलिस वाले आए कुछ लोग हमें डराने धमकाने के लिए। उन्होंने मुझसे क्या क्या रैली खराब करेगी, क्या रैली में घुसेगी, क्या कहा। प्रदीप कुमार पुलिस वाले, वो किसने भेजे हमें नहीं पता, हमारी रैली खराब करने आई है यहाँ पे। मैंने कहा सर आप हमसे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, जहाँ भी अधिकारी बुलाते हैं भाई हम पहुँच जाते हैं फटाक से, हम उनका कभी ऑर्डर नहीं मानते, हम ऑर्डर फॉलो करके आते हैं उनका जब भी हमें बुलाते हैं, लेकिन आज इस पुलिस वालों ने हमसे क्यों बदतमीजी करी। अभी आप कहाँ आई हैं, कहाँ की बात है, ग्राउंड की बात है। यहाँ पर जो अधिकारी, हमें ये भी नहीं पता कि कौन अधिकारी आ रहा है, किस बारे में आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हमारे ANM ने बताया। यहाँ बुलाया था वो किसके द्वारा सूचना दी गई थी? हमारे मुख्य अधिकारी ने की थी, और जो हमारे DCPM है संजय दुबे, लेकिन हमारे मना किया था सतीश गौतम ने मना किया था कि आप ड्रेस में क्यों आई हो, हमारी रैली खराब करोगे। भाई हमें क्या मतलब है उनकी रैली खराब करिए, हमें तो पता भी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं सर, हमें सुबह 7 बजे से 6 बजे से कोई टाइम टेबल नहीं, रात को 10 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाते हैं और बात बात में धमकी देते हैं कि लेटर बना देंगे, तुम्हारा लेटर बना देंगे, नहीं काम करोगी, अब ID बनाओ, अब ID बना रहे हो, घर जाकर तो भी कोई खुश नहीं है हमसे। 2000 की आबादी में खरीद रखा और फिर कहते हैं रिजाइन दे दो, बात बात में रिजाइन दे दो, साल से दूसरी आशा को मौका दो। हर तरीके से हम ये चाहते हैं सर, जब COVID-19 चला था तो किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया। अलीगढ़ अर्जलता रोड पर बनी 5 अवैध दुकानों को नगर निगम की टीम ने बीते दिन JCB चलवा कर ध्वस्त कर दिया।
एक लाइन से 5 दुकानें बनाई गई थीं, इनमें से एक भाजपा का कैंप कार्यालय भी है। दुकानदारों के विरोध के बीच पुलिस की मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त टीपी सिंह के निर्देश में टीम ने दुकानों को ध्वस्त किया है और 4 दुकानें गिरा दी गईं। उसमें से 5वीं दुकान में संचालित भाजपा कार्यालय मंगल को यानी आज खुद डहाने की बात कही। भाजपा जिला मंत्री संदेश राज के नेतृत्व में दुकानदारों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय किया। दुकान की चौखट पर बैठकर नगर निगम विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। ACM प्रथम मोहम्मद अमान ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बता दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे सुंदरीकरण के काम में अतिक्रमण आड़े आ रहा है। अचलदार रोड की ये दुकानें भी रोड़ा बन रही थीं। दुकानों को गिराने के लिए 4 दिन पहले नगर निगम की टीम पहुंची थी, तब दुकानदारों ने व भाजपा नेता ने विरोध किया था। ऐसे में नगर निगम की टीम 4 दिन का अल्टीमेटम देकर चली गई। बीते दिन नगर निगम की आई टीम ने 4 दुकानों को ध्वस्तीकरण कर एक दुकान को 24 घंटे का समय दिया, जिसके बाद आज 24 घंटे पूर्ण होने पर 5वीं दुकान भी टूट जाएगी। क्या नाम है सर? ये अचल ताल आपके अलीगढ़ शहर में स्मार्ट सिटी तरफ से सौंदर्यीकरण का कार्य इसमें चल रहा है। मुझे टीपी सिंह सहायक नगर आयुक्त कहते हैं। मैं इन्फोर्समेंट शहर में इन्फोर्समेंट टीम का प्रभारी। विगत 6 महीने से लगातार इनसे वार्ता हो रही है। 2 महीना पहले जो है नगर आयुक्त साहब से 2 बार वार्ता हुई, उसके बाद पिछले हफ्ते में जो है इन्होंने लिखित टाइम लिया, 2 दिन का टाइम लिया, आज 5वें दिन समय, उसके बाद भी ये लोग खड़कर नहीं कर रहे। अब उसमें फाइनली 4 लोगों ने हटा लिया है, 5 दुकानें हट गई, 1 दुकान बची है। तो इसमें मेयर साहब से इनकी वार्ता हुई, उन्होंने आज भर का टाइम दिया है, आज ये अपने आप हटा लेंगे। और अगर आज ये अपने आप नहीं हटाते तो कल फिर हम लोग। इनकी मांग कई बार सर ये भी रही है कि जो यहाँ से जो दुकान इनकी हटाई जा रही है, इसकी जगह इनको इसी मंदिर प्रांगण में दुकान उपलब्ध करा दी जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, मांग तो पूरे शहरवासियों की है, मांग तो वो पॉलिसी मैटर है, उसमें कैसे दुकानें आवंटित होंगी वो सारे ओपन प्रक्रिया रहे, उसमें जो है स्मार्ट सिटी तय करेगी। सर, कुछ इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा योगी कौशलनाथ को 300 गज जमीन अंदर दे दी गई है और उनकी साठगांठ हो गई है और नगर निगम इसमें लापरवाही बरत रहा है। आरोप लगाने का तो जो भी आरोप जो भी लगाता हूँ आपके सामने है, जो भी है सब ओपन में है, इसमें कुछ नहीं है, जो जहाँ बैठा है। हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।